भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए सांसद कीर्ति आजाद के लिए कांग्रेस दरभंगा सीट चाहती है, लेकिन आरजेडी अभी भी सीट अपने वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के लिए चाहती है। वहीं कांग्रेस अभी भी कुछ भी कहने से बच रही है, साथ ही साथ महागठबंधन पर भी दबाव बना रही है कि कीर्ति आजाद को फिर से टिकट दिया जाए। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र हमारे साथ हैं और हम इनसे पूछते हैं कि आरजेडी ने एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि गिरिराज सिंह बेगूसराय नहीं जाना चाहते हैं, क्यों ऐसा आपको लगता है कि नहीं जाना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि बर बोलेपन आप उनकी आदत रही है और जनता खोज रही है बेगूसराय में उनका इलाज करने के लिए, और सोटा लेके खड़ी है, वोट भी नहीं देगी या सोटा भी चलाने का काम करेगी। चूंकि ये आदमी देश के एक मजहब के खिलाफ में हमेशा विष ममन करने का काम किया है और देश में घृणा पैदा करने का काम, सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाले को सहयोग करने का काम अगर किसी ने बिहार का किया है तो उसमें अगर 10 नाम है उसमें एक नाम माननीय गिरिराज सिंह का भी नाम है। लेकिन ट्वीट में कुछ और नाम दे दिया। नहीं, वो गलती से मिस प्रिंटिंग हो गया होगा, वो अलग चीज़ है। गिरिराज सिंह होते हैं और गिरिराज सिंह आज जो आतंकवादियों के नाम पर एक खास बिरादरी के लोगों को फंसाया जाता है, मैं ये नहीं कहता हूँ किसी भी आतंकवादी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी बिरादरी का, संप्रदाय का अगर आतंकवादी है उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक संप्रदाय के लोगों को छोटी मोटी गलती से भी उसको फिर कह दिया जाता है कि आतंकवादी है। देश में गिरिराज सिंह और बीजेपी के कुछ ऐसे नेता हैं उससे ज़्यादा आतंकवादी नहीं हो सकता है जो देश में घृणा पैदा करता है, जो देश में विष ममन करने का काम करता है, सांप्रदायिक दंगा फैलाने का काम करता है। गिरिराज सिंह को आपके उम्मीदवार तनवीर हसन से दिक्कत है या CPI के उम्मीदवार कन्हैया कुमार से? देखिए, वो उनकी जमानत कहीं से भी लड़ेंगे जब्त हो जाएगी। देश में ऐसे लोगों को कभी कोई पसंद नहीं करता है। कन्हैया कुमार तो कह रहे हैं कि तनवीर हसन लड़ाई में ही नहीं है। अब देखिए कल क्या होगा, किसने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा है। और आरजेडी का जो वजूद है, महागठबंधन का वजूद है, हर कोई जानता है और आप भी जानते हैं कि क्या वजूद है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव लेवल, केवल लालू यादव केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, वो एक विचार है देश में और उस विचारों को मारने वाले करोड़ों लोग हैं। इसलिए ऐसे कोई बोलता है तो उनकी अपनी मर्जी है, स्वतंत्रता है बोलने की। ये बताइए, महागठबंधन में टिकट को बंटवारे को लेकर इतना क्यों झंझट? कहीं खींचातान नहीं है, सब ऑल इज वेल। और दरभंगा के सीट की चर्चा आप करना चाह रहे थे, वो चर्चा केंद्रीय नेतृत्व से हो चुकी है, वो आरजेडी को सीट मिल गया है। कौन क्या बोलता है उस पर कोई हमारा टिप्पणी नहीं है। आजाद का क्या हुआ? कीर्ति आजाद को कहीं एडजस्टमेंट करेंगे कांग्रेस के लोग, उसमें हमारी भी शुभकामना भी कहीं वो एडजस्टमेंट हो उनका। तो बिल्कुल, तो दरभंगा सीट बिल्कुल क्लियर है और वहां से आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी उम्मीदवार होंगे, कीर्ति आजाद को कोई और जगह ढूंढनी होगी। वहीं दरभंगा लोकसभा सीट से खबर आई है कि कीर्ति आजाद को टिकट नहीं दिया जाएगा, जिसकी अब दरभंगा के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि दरभंगा से कीर्ति आजाद की उम्मीदवारी हो, वह 3 बार सांसद रह चुके हैं, उनको फिर से यहां कांग्रेस से टिकट मिले, ये हमारी इच्छा है। प्रदर्शनकारी कांग्रेसी के निशाने पर आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र भी रहे, जिसने आरजेडी से अब्दुल बारी सिद्दीकी को अपना उम्मीदवार बताया है, जिसके बाद गुस्से से लाल हुए कांग्रेसी ने तेजस्वी यादव को अनुभवीहीन नेता कह डाला। साथ ही ब्राह्मण बहुल इलाके दरभंगा से कीर्ति आजाद को अगर चुनाव नहीं लड़ाया गया तो ब्राह्मण कहां से चुनाव लड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। सुजीत झा के साथ बिहार तक।